नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में ये एक अपडेट वीडियो है हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक टॉपिक के ऊपर बात की थी यूनाइटेड किंगडम के इंडो पैसिफिक टिल्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी एक इंटीग्रेटेड रिव्यू डॉक्यूमेंट की जो यूनाइटेड किंगडम का था उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे चैलेंजेस टू द इंडो पैसिफिक टिल्ट राइट तो ये होगा हमारा आज का एजेंडा लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले मुझे अपने व्यूअर्स से और एस्पिरेंट से कुछ कहना है There is an advice from my side. Recently, मैंने एक वीडियो बनाया था विध रेस्पेक्टर्स मोदी दीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर राइट इस वीडियो के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा हुई है मुझे खुद भी बहुत सारे पर्सनल मैसेज आया जहां पर बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर नहीं आपने सही कहा है नहीं आपने गलत कहा है तो मेरा एडवाइस है ये फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट राइट अगर किसी एस्पिरेंट ने मैसेज किया हुआ है कि सर ये आपने सही कहा या गलत कहा then हमारे जो जो हुआ हुआ हमारा जो हुआ, उसका उद्देश फेल हो चुका है है क्यों? क्योंकि अगर आप सिविल के हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और अगर आपको वीडियो देखोगे दैट वीडियो इज वेरी ऑब्जेक्टिव एंड इट गिव्स यू बोथ साइड्स ऑफ अ पिक्चर इनफैक्ट ऐसे सवाल आ चुके हैं यूपीएससी यु, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जहां पर आपको एनालाइज करना है कि किस तरह से

तो आपकी कितनी सर्विस हुई पैंतीस साल की आपकी सर्विस हुई यानी कि यू विल बी वर्किंग विद एटलीस्ट सिक्स टू सेवन गवर्नमेंट ड्यूरिंग योर टेन योर तो जो भी आपकी पॉलिटिकल पोलिटिकल है बी पॉलिटिकल पार्टी एक्स वाई जेड आप किसी को वोट करते हैं दैट नॉट मैटर क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहेगी आपको उसके साथ काम करना है इसीलिए पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट क्योंकि जब आप सरकार में जाओगे ये चीजें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं राइट right? बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि सर यूपीएससी का सिलेबस इतना ज़्यादा वेरिड क्यों है क्यों क्यों हम लोग इतना ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि आपको देश को जानना है क्योंकि आपको देश की पॉलिटिकल सिस्टम को जानना है इकोनॉमिक सिस्टम को जानना है देश की ज्योग्राफी को जानना है देश की प्रॉब्लम्स को जानना है क्योंकि जब आप सरकार में जाओगे तो आपका काम क्या है कि इन प्रॉब्लम्स को आपको रिजॉल्व करना है इसकी सोल्यूशन ढूंढनी है राइट तो इसीलिए पोलिटिकल न्यूट्रलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है तो आगे चल के जब भी हमारा डिस्कशन होगा टू टू एनी टॉपिक फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्लीज रिमेंबर मेंटेन दैट पोलिटिकल न्यूट्रलिटी जब क्रिटिसिज्म होगी सरकार की जब क्रिटिसिज्म होगी किसी सरकार के प्रोग्राम की आपको याद होगा रिसेंटली हम लोगों ने पीएम केयर्स फंड की क्रिटिसिज्म की थी तो आपको क्रिटिसिज्म से क्या सीखना है क्रिटिसिज्म से आपको देखना है कि सरकार के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है क्योंकि जब आप सरकार में जाओगे आपको उस चीज का सोल्यूशन देना है इनफैक्ट मेन्स जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की मेन्स है उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है बेसिकली आपसे वो लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके सोल्यूशन बताइए मुझे उसी चीज पे आपको मार्क्स भी मिलते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मेंटेन दैट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी तो किसी सिविल सर्वेंट सिविल सर्विस एस्पिरेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने सही कहा गलत कहा तो दैट वुड बी अ फेलियर फ्रॉम माई पार्ट ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन राइट क्योंकि उस डिस्कशन का उद्देश्य यही नहीं था आपको यह समझना है तो वेन एवर वी आर डिस्कसिंग ट्राई टू कीप दैट इन माइंड टू मेंटेन पोलिटिकल न्यूच्रलिटी चलिए डिस्कशन में वापस आते मैंने कहा कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ इंडो पैसिफिक टिल्ट तो डिस्कशन शुरू करते हैं मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडीज दैट आर गिवन हियर और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठे आप सेफली तैयारी कर सकते हैं जस्ट गो थ्रू द स्मार्ट कोर्स विच वी हैव क्रिएटेड स्टडी आईक्यू जस्ट विजिट स्टडी आई डॉट कॉम या फिर डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट दिस आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बात की थी एक टॉपिक के ऊपर यूकेस टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक राइट और यहां पे हम लोगों ने देखा था व्हाट्स दूके स्टिल टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक मीन फॉर इंडिया और हम लोगों ने यहां पे डिस्कशन भी की थी कि पहले जर्मनी ने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी दी फ्रांस ने दी नेदरलैंड ने दी उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम ने भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था इंटीग्रेटेड रिव्यू राइट दिस इज हर मजिस्ट्रीज गवर्नमेंट ग्लोबल ब्रिटेन इन कॉम्पेरेटिव एज इंटीग्रेटेड रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी और यहां पे मैंने आपको कहा था इसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर डेडिकेटेड था टू इंडो पैसिफिक टिल्ट अ फ्रेमवर्क और यहां पे मैंने आपको इस पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक टिल्ट की डिटेल्स भी दी थी अगर आपको याद होगा इसके तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स थे क्या पिलर्स थे वैल्यूज वॉट काइंड ऑफ वैल्यूज डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फ्रीडम ऑन सीज इकोनॉमी किस तरह हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट्स पाएंगे इंडो पैसिफिक से

सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है डेमोक्रेसी की बात करता है लेकिन इंडियन ओशन में खुद ब्रिटेन क्या कर रहा है अगर हम लोग इंडियन ओशन की बात करें ब्रिटेन में चैगोस आर्टिंग में डियागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन ने इस पे कब्जा कर रखा है नाइनटीन से इन्होंने कब्जा कर रख कर रखा है इसके ऊपर क्लेम है मॉरिशियस का इनफैक्ट अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो नाइनटीन में जो आईलैंड है डियागो गार्सिया इसको डिटैच कर दिया था मॉरिशियस से कॉम्पेंसेटरी ग्रांट दे तीन मिलियन पाउंड्स की यूके ने और इसको अभी भी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहा जाता है और इसको गवर्न करते हैं लंडन से ही लंडन से कमिश्नर एक अपॉइंट किया जाता है क्वीन द्वारा और 1965 से ये जो डियागो गार्सिया आइलैंड है इसको लीज किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स को यूएस को टू मेक देयर मिलिट्री बेस और अभी अगर हम लोग बात करें डियागो गार्सिया में ब्रिटिश का कब्जा है उन्होंने लीज किया यूएस को वहां पे तीन हजार ब्रिटिश और अमेरिकन पर्सनल है राइट अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन ने इंडियन ओशन में क्या किया डिएगो गार्सिया में क्या किया देखिए डिएगो गार्सिया में क्या किया है उन्होंने जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे डिएगो गार्सिया के उन्हें डिस्प्लेस कर दिया ह्यूमन राइट्स वॉयलेन हुई थी उसके बाद दो में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूके को फटकार भी लगाई थी उन्होंने कहा था कि एंटायर चैगोस नॉट जस्ट गार्सिया बट एंटायर चैगोस आरकी जो है इट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम मॉरिशियस इन और मॉरिशियस के पास राइट right है ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो जहां पे आपकी खुद की इंडो पैसिफिक टिल्ट एक बात करती है कि हम लोग वैल्यूज प्रमोट करेंगे वैल्यूज किस तरह की डेमोक्रेसी की रूल ऑफ लॉ की सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की हम लोग प्रमोट करते हैं वैल्यूज लेकिन यहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है

इन प्रिंसिपल सपोर्ट करता है मॉरिशियस को तो इससे आगे चल के फ्रिक्शन जरूर होगी तो अगर यूके की इंडो पैसिफिक टिल्ट या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को सक्सीड करना है तो सबसे पहली चीज यह है कि जो उन्होंने डिएगो गार्सिया पे कब्जा किया हुआ उस चीज को रिजॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है इसके अलावा चैलेंज नंबर टू ये है कि क्या यूके के पास वो क्षमता है कि वो ट्विन ट्रैक फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करे यानी कि अगर हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें राइट इंडो पैसिफिक टील्ड की, की है, मेन प्लेयर है इंडिया अब दूसरा प्लेयर है, क्योंकि जब से हुआ है तब से यूरोपियन यूनियन के साथ उनका ट्रेड कम हुआ है लेकिन चाइना के साथ उनका ट्रेड बढ़ रहा है चाइना और यूके के ट्रेड के बारे में थर्टी बिलियन पाउंड ट्रेड रहा है टू में दिस क्लियरली कि हाउ आर दे गोइंग टू बैलेंस टू मेजर पावर्स यानी कि एक तरफ आप फ्रीडम की बात करते हो वैल्यूज की बात करते हो इन इंडो पैसिफिक लेकिन दूसरी तरफ आप जो अग्रेसिव पार्टी है यहां पे चाइना उनके साथ बहुत ज्यादा ट्रेड में लगे हो तो ये ट्विन ट्रैक पॉलिसी हुई कि नहीं कि एक तरफ यू सपोर्ट फ्री इंडो पैसिफिक ऑन द अदर साइड यू आर डीलिंग विथ चाइना ऑल्सो सो दिस इज पर सेकेंड बिगेस्ट चैलेंज फॉर यूनाइटेड किंगडम द थर्ड चैलेंज इज द रिव्यू इट सेल्फ अगर हम लोग रिव्यू की बात करें देखिए रिव्यू में कुछ बहुत ही वेग चीजें लिखी गई वहां पे उन्होंने लिखा है कि इट अंडरस्कोर्स मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल अब मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल इज अंडरस्टैंडेबल अगर आप दूसरे देशों के साथ काम करना चाहते हो लेकिन यहां पे मल्टी स्टेक होल्डर जो पार्टनरशिप की बात की गई मॉडल की बात की गई वहां पे वो नॉन स्टेट एक्ट स को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर मानते हैं नॉन स्टेट पार्टनर मतलब जो रीजनल ग्रुपिंग है जैसे कि आसियान हो गया टीपीपी हो गया और एक स्पेसिफिक मेंशन है बिग टेक कंपनीज की जो हम लोग बात करते हैं एफ ए एन जी जो फांग की बात करते हैं राइट फेसबुक एप्पल नेटफ्लिक्स गूगल इन सब चीजों की बात करते हैं हम लोग तो बिग टेक कंपनीज के साथ भी यहाँ पे कोलेबरेशन करने की बात की गई लेकिन उस रिव्यू में बहुत बड़ी चीज मिसिंग है कि, कि किस तरह इन नॉन स्टेट पार्टनर्स को वो लोग कन्वर्ज करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर यूनाइटेड किंगडम गोइंग इन फ्यूचर अब इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे चैलेंज की बात करें ब्रेग्जिट तो एक चैलेंज है ही क्योंकि ब्रेग्जिट से अभी यूनाइटेड किंगडम जूझ रहा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट उनपे हो चुका है इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्रेग्जिट तो हो चुका है ब्रेग्जिट तो फाइनलाइज हो चुका है अगर यहां पर इंडो पेसिफिक स्ट्रैटेजी को उनको सक्सीड कराना है उसको सक्सेसफुल करना है तो बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं दैट ब्रिटेन शुड गो फॉर चेगजिट ऑल्सो चेगजिट मीन्स एग्जिट फ्रॉम चाइना वट एवर पार्टनरशिप दे हैविथ चाइना दे हैव टू एग्जिट इट तो ब्रेग्जिट एक चैलेंज है और चेगजिट नहीं होना एक दूसरा चैलेंज है अब इसके अलावा कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही क्योंकि कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक के बीच ये इंटीग्रेटेड रिव्यू आया है बहुत बड़ी अनसर्टेटी है यह महामारी इससे यूके कितना रोल प्ले करेगा इंडिया में अभी तक पता नहीं है दैट इज ह्यूज ह्यूज चैलेंज क्योंकि सभी एरियाज की हैज बीन इन बिकॉज ऑफ कोविड शैम्बलिक एंड फाइनली द बिगेस्ट चैलेंज इज वेरी लिटिल मिलिट्री प्रेजेंस इन इंडियन ओशन रीजन किस तरह से यूनाइटेड किंगडम इज गोइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन इंडियन ओशन रीजन इज इज टू बी सीन हियर बिकॉज देयर मिलिट्री प्रेजेंस इज लेस कंपेयर टू अदर पार्टी जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रांस की यूके से भी ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में राइट इन इंडो पैसिफिक रीजन ऑल्सो सो दे हैव अ वेरी लिटिल रोल टू प्ले इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस तो ये सब चैलेंजेस है यूनाइटेड किंगडम की जो इंडो पैसिफिक टिल्ट उनका फ्रेमवर्क है उसकी तरफ तो वट वुड बी वे फॉरवर्ड और वट वुड बी द कंक्लूजन यूके को क्या करने की जरूरत है सबसे पहले तो अगर उन्हें एक एक्टिव रोल प्ले करना है तो जो उन्होंने वैल्यूज की बात की है उस वैल्यूज पे उन्हें खरा उतरना पड़ेगा यानी कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर की जब हम लोग बात करते हैं और जब आप खुद ही उस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वॉयलेट कर रहे हो इन डीएगो गार्सिया हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द अदर कंट्रीज टू बिलीव यू द फर्स्ट थिंग इज दैट यू के मस्ट रिकोगनाइज दैट द डिएगो गार्सिया इशू हैज टू बी रिजोल्व अब इसके अलावा यूके को बहुत जरूरी है कि वो बैलेंस करें अब क्या बैलेंस करना है एक तो देखिए किस तरह से वो इंडिया को चाइना को हैंडल करेंगे इंडियन ओशन रीजन में वो तो बैलेंस करना ही करना है किस तरह से वो लोग अपनी इंडो पैसिफिक की तरफ जो टिल्ट आई है उसको अपनी जो दूसरे एरिया है यानी कि ट्रांस अटलांटिक रीजन की तरफ जो टिल्ट है उनकी उस उस चीज के साथ कैसे बैलेंस करेंगे यानी कि हाउ दे आर गोइंग टू बैलेंस इंडिया चाइना हाउ दे आर गोइंग टू बैलेंस इंडो पैसिफिक एंड देयर ओन रीजन ट्रांस अटलांटिक रीजन ये एक बहुत जरूरी चीज देखने वाली है यूनाइटेड किंगडम को तो दे नीड टू कम अप सम सॉर्ट ऑफ अ कोर स्ट्रैटेजी हाउ दे आर गोइंग टू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स देन ओनली देर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और द इंडो पैसिफिक टिल्ट इज गोइंग टू सक्सीड गोइंग इन टू फ्यूचर अगर इस पर कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सुन एज पॉसिबल On study IQ. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching Jai Hind.